गाइस वेलकम बैक, और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं अर्क सर्वाइवल इवॉल्व। एंड यह हमारी कार्रवाई स्प्रिंट सर्वाइवल सीरीज का होने वाला है पांचवा एपिसोड। एंड अभी जो है मेरे पीछे यहाँ पे कार्नो भाग रहा है, सो मुझे जो है यहाँ पे से निकलना पड़ेगा। एंड मुझे लगता नहीं है कार्नो हमें यहाँ पे सर्वाइव करने देगा, इसीलिए मैंने डिसाइड करा कि मैं कुछ दिन जो है ना अपने मेन आइलैंड में सर्वाइव करने वाला हूँ। जितने भी हमें बेसिक सामान है वो सारे का सारा हम स्टोरेज बॉक्स में रख के फिर हम लोगों ने डिसाइड करेंगे कि हमें कार्नो आइलैंड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। वैसे मेरा प्लान है, अगर मैं मेन आइलैंड से दो रैप्टर्स अपने साथ लेके आ जाऊँ तो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है, क्योंकि यार यहाँ पे जो है ना बिच्छू काफ़ी ज़्यादा है, आर्जेंटेविस काफ़ी ज़्यादा है, एंड काफ़ी बार तो मैं उनसे मर चुका। एंड फाइनली अभी जो है ना हम लोग मेन आइलैंड आ चुके हैं। सबसे पहले तो मेरे को अपने के लिए पैरासोरस टेम करना पड़ेगा, जो कि अपने के लिए ना नार्कोबेरीज फार्म करेगा। तो मुझे जो है ना अभी ट्रैंकुलाइजर एरोज बनाने, और मेरे पास अभी एरोज भी नहीं है, क्योंकि जितने भी एरोज मेरे पास थे वो सारे के सारे हमने उसी आइलैंड में यूज कर लिए हैं। तो मेरे को एरोज बनाने के लिए सबसे पहले तो अपने के लिए फ्लिंट फार्म करना पड़ेगा, थैच फार्म करना पड़ेगा, फाइबर फार्म करने पड़ेगा। एंड जब तक मैं उसे फार्म करता हूं, तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारी इस वीडियो में है, एंड जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज गाइस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड आज की वीडियो में लाइक था 300। आई होप गाइस आप लोग 300 लाइक्स तो कंप्लीट करा ही दोगे। ओके यार हम लोगों ने टच वगैरह तो काफी ज्यादा फार्म कर लिया है, बस अभी फाइबर बचा हुआ है एंड वो भी मैं फटाफट से फार्म करता हूँ। एंड उसके बाद हम लोग बना लेंगे अपने के लिए काफी ज्यादा ट्रैंकुलाइजर एरोज। तो लगाऊ मैं फाइबर फार्म करने में, देखते हैं यार कब तक फाइबर फार्म होता है। ओके गाइस यहाँ पे हम लोगों ने फाइबर काफी ज्यादा फार्म कर दिया है, तो सबसे पहले अभी हम लोग अपने इनग्रिम्स में चलते हैं एंड ट्रैंकुलाइजर एरोज बनाने का ट्राई करेंगे। वैसे ट्रैंकुलाइजर एरोज बनाने से पहले जो है ना मेरे को अपने के लिए नॉर्मल एरोज बनाना पड़ेंगे। लगभग 14 एरोज बन रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड अभी मैं सबसे पहले तो अपने के लिए ट्रैंकुलाइजर एरोज अनलॉक करता हूँ, जो कि किसी भी डाइनो को अनकॉन्शियस करेगा। तो उसके लिए मेरे को 21 लेवल चाहिए, एंड अभी हमारा जो लेवल है वो लगभग 19 है, तो 2 लेवल और चाहिए। एंड हम लोग जो है ना फटाफट से वो लेवल करते हैं, फिर देखेंगे कि हमें यहाँ पे पैरासोरस वगैरह टीम करेंगे या फिर मॉस्टो। इन दोनों में से हम लोग एक चीज टीम करने वाले हैं, वही हमारे लिए बेरीज वगैरह काफी ज्यादा फार्म करेगा। यहाँ पे जो है ना मैंने डिसाइड करा कि मैं जो है ना अपना इचिदोसोरस वाला परस्यूट का मिशन कंप्लीट कर लेता हूँ, पर जैसे ही मैंने देखा यार मेरे को पानी के काफी ज्यादा गहरा जाना है, एंड मैं नीचे गया तो डेफिनेटली मेरे को मैग्लाडोन इजिली मार देगा। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है ना अभी पानी के अंदर नहीं जाऊंगा, हम लोग कुछ और मिशंस कंप्लीट करेंगे। जल्द से जल्द मेरे को 21 लेवल कंप्लीट करना है, और आज जो है ना हमें अपना ट्रैंकुलाइजर एरोज अनलॉक करना है। तो भाई यहाँ पे मैंने कहा मुझे अगर इचिदोसोरस दिखेगा तो हम लोग उसको ऊपर बुलाने का ट्राई करेंगे चाहे जैसे भी, पर मुझे इचिदोसोरस तो यहाँ पे दिखा नहीं। फिर मैंने डिसाइड करा भाई उसे छोड़ो, वो अभी हमारे लाइक नहीं है। फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं जो है ना यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर नोट सर्च आउट करता हूँ, एंड उसके बाद जो है ना हम लोग थोड़े बहुत मिशंस वगैरह भी कर लेंगे। एंड फाइनली यार यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे कहीं पे एक्सप्लोर नोट मिलेगा मुझे। ओके ये रहा, सो फाइनली यहाँ पे हमें एक्सप्लोर नोट मिल चुका है। अरे यहाँ पे एक और है, लगता है मुझे कोई और ढूंढना था। अबे यार इनको मारना पड़ेगा, चलो फटाफट से हम लोग इनको मारते हैं। ओके इजीली यार साथ के साथ हार्वेस्ट भी कर ले, तो इनसे देखो ना चिंटिन मिलेगा, एंड चिंटिन भी हमें काफी ज्यादा चाहिए। अगर 36 लेवल कभी होगा तो हम लोग पैटर्न डेफिनेटली टेम करने का ट्राई करेंगे। ओके गाइस यहाँ पे मैं आ चुका अपने राफ्ट में, एंड मैंने ऑफलाइन करके ना थोड़ा सा अपने के लिए मोर्टार एंड पिस्टल बनाया था एंड स्लीपिंग बैग। तो सबसे पहले मैं अपना मोर्टार एंड पिस्टल प्लेस करता हूँ कुछ यहाँ पे, क्योंकि इससे ही जो है ना हम लोग नार्कोटिक्स वगैरह बनाएंगे, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और मैंने जो है ना अपने के लिए स्लीपिंग बैड बनाया, इसको मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ। ओके यार यहाँ पे हमने स्लीपिंग बैड को प्लेस कर दिया है, और रात भी काफी ज्यादा हो चुका है, तो अभी टाइम आ चुका है अपना को सोने का। तो हम लोग जो है ना फटाफट से यहाँ पे सो भी जाते हैं। लेट्स गो। वैसे मेरे को स्टोरेज बॉक्सेस भी बनाने पड़ेंगे अपने के लिए, एंड जितना भी मेरे पास नार्को बेरीज है उसका सारे का सारा मैं नार्कोटिक्स बना लेता हूँ, क्योंकि अगर हम लोग पैरासोरस टेम करेंगे डेफिनेटली ये चीज काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो भाई अब रात काफी हो गया है,
अब ऐसे करते हम लोग यहाँ पे सो जाते हैं। तो ओके गाइस, यहाँ पे मॉर्निंग हो गया है एंड मुझे लगता है अभी हमें थोड़ा सा काम वगैरह करना चाहिए। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं जो है ना यहाँ पे, यार मेरे को एक चीज काफी ज्यादा बढ़िया लगा, अगर वो कोशिश करेंगे, अगर वो टाइम हो गया ना, तब तो कार्नो भी गाइस हमारे सामने कुछ नहीं है, आपको पता है, थ्राइजिनोसोरस। तो मैंने डिसाइड करा यार अभी हम लोग थ्राइजिनोसोरस को बाद में टेम करते हैं, सबसे पहले अपना आर्मर बना लेते हैं हाइट का, जो कि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देगा। फिर मैंने फटाफट से हाइट का आर्मर जो है उसे अनलॉक करा अपने इंजन में, एंड मुझे जो है ना अभी थोड़ा सा फाइबर वगैरह फार्म कर रहे हैं, क्योंकि हाइट का आर्मर बनाने के लिए मेरे को काफी ज्यादा फाइबर चाहिए। तो फटाफट से हम लोग फाइबर फार्म करते हैं एंड उसके बाद जो है ना हम लोग अपना हाइट का आर्मर बनाएंगे। एंड ये आप लोग देख सकते हैं यार, थ्राइजिनोसोरस है यहाँ पे, भाई मजा आ जाएगा अगर इसको टेम कर लिया हमने। यहाँ पे एक ट्रायसेरॉटॉप्स है, मेरे पास ट्रैंकुलाइजर एरोज नहीं है, अगर रहते तो डेफिनेटली मैं उसको टेम कर लेता। ओके, मैंने यहाँ पे जो है ना अपने के लिए हाइट का आर्मर्स वगैरह बना लिया है, जैसे ही बनता है फटाफट से हम लोग उसको इक्विप भी कर लेंगे। ओके गाइस, यहाँ पे हमारे हाइट के आर्मर बन चुके हैं एंड फटाफट से मैं उसको इक्विप करता हूँ। ओके, पहन लिया है, धीरे धीरे करके सब पहन रहा हूँ भाई, लगभग आई हो गया एंड फाइनली मेरे को एक लेवल मिल चुका है और अभी जो है ना अपना लेवल लगभग 20 हो गया है। सो एक लेवल और चाहिए एंड अपना ट्रैंकुलाइजर एरोज अनलॉक हो जाएगा। वैसे मैं स्प्रिंटिंग में देऊंगा क्योंकि आपको पता है अपने पीछे कार्नो कैसे भाग रहे थे भाई, बड़ी मुश्किल से बचा हूं वहां पे मैं। एंड यार एक लेवल कैसा होगा मेरे को वो चीज समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं जितने भी नार्कोटिक्स बनाए ना वो मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि मैं जब किसी भी पैरासोरस को अनकॉन्शियस करूंगा तो डेफिनेटली यहाँ पे नार्कोटिक्स का यूज होने वाला है। भाई अभी भी एक लेवल है, एक लेवल करना है। वैसे मैं हंटिंग कर करके भी कर सकता हूँ, तो चलिए अभी जो है ना हम लोग हंटिंग करने के लिए निकलते हैं। भाई एक ये रहा ट्रायसेरॉटॉप्स, मारने का ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि मार पाता हूँ या नहीं मार पाता। वैसे इसको आगे से मारो ना, डैमेज काफी गंदा जाता है भाई। आ गया ये मेरे को मारने के लिए। ओ भाई क्या गंदा मारा, स्टंट कर दिया ये, देखिए मेरे को भाई डैमेज ना के बराबर जा रहा है। ओके सो यार मैं मारने वाला था तब तक जो है ना, लेकिन ये मर चुका है। फटाफट से मैं इसको ऐसे करता हूँ ना, हार्वेस्ट भी कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इसको हार्वेस्ट कर रहा था यहाँ पे आ चुका है मैग्लोडॉन, ये कहाँ से है? अबे भागो, ये काफी गंदा अटैक दिया यार ये मेरे को। आप लोग देख सकते हो मेरा हेल्थ कितना है। फटाफट से मैं अपनी राफ्ट में बैठ जाता हूँ, अगर नहीं बैठा तो समझो गया मैं। हाँ भी मेरे को अपने आप को हील अप करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो भाई ओनली 20 HP बचा हूं मैं। All is well. So, नहीं यार इसको तो मैं इजीली टेम कर सकता हूँ मोस्ट ऑफ, जब तक मैं अपना लेवल अप करूंगा तब तक ये काफी ज्यादा नार्कोटिक्स नार्को बैरीज फार्म कर लेगा। भाई गांव बसता नहीं है, भिखारी पहले आ जाते हैं, तो इनको बजाना पड़ेगा एक एक करके। एक तीर के निशान है सिर्फ, एक एक तीर में बजेंगे ज्यादा नहीं। ओके इसको एक और बैरीज देता हूँ मैं, 80% टेम हो चुका है, तो एक बैरीज और खाएगा लगता है, तब ये मॉस्चर जो है ना अपना इजीली टेम हो जाएगा। आज का डेंज होता ना वो काफी ज्यादा डेंजरस था। भाई किधर गया वो? ओके ये रहा, मैं तो सोच रहा था पता नहीं किधर भाग गया। एंड फाइनली यार हमारे जो मॉस्चर है यहाँ पे टेम हो चुका है। एंड इसका नाम क्या रखे, क्या बोलते हो नाम क्या रखे? वैसे मेरे नाम नजर में एक नाम है, इसका नाम हम रखते हैं नंदू, नंदू सबका बंधु, ठीक है। वैसे मॉस्चर अच्छा नहीं लग रहा है, नाम रखेंगे यार एक एक नंबर के। वैसे इसकी मैं इनेबल वेंटरिंग ऑन कर देता हूँ एंड ये चूहे ना अपने के लिए सामान वगैरह फार्म करते रहेगा इनेबल वेंटरिंग ऑन करके। वैसे काफी अच्छा फार्मर है।
ओके नंदू रख दिया आपने, ठीक है। इसका नामकरण ऑलरेडी हो चुका है, इसको फॉलो कराता हूँ, फिर स्टॉप की विसल बजा देंगे एंड ये जो है ना अपने के लिए सामान वगैरह फार्म करते रहेगा यहीं पे। और मैंने डिसाइड करा कि अभी जो है ना मैं फटाफट से स्टोरेज बॉक्सेस अपने इनग्रिम्स में अनलॉक करता हूँ एंड उसके बाद जो है ना हम अपनी राफ्ट में काफ़ी ज़्यादा बॉक्सेस लगाएंगे। एक बॉक्स में यहाँ पे सब वुड लेके जाने वाला हूँ, एक बॉक्स हम लोग स्टोन लेके जाएंगे, एक बॉक्स में हम लोग फ्लिंट हाइड एंड फाइबर लेके जाएंगे, मतलब वहाँ पे हमें कुछ भी फार्म ना करना पड़े एंड हम लोग जो है ना उधर आई मीन कार्नो आइसलैंड में इजीली सर्वाइव कर पाएंगे। भाई यहाँ पे सब मैं एक्सप्लोरर ढूंढने के लिए निकल ही रहा था जब तक पीछे से अपने को अटैक कर दिया रैप्टर्स ने। अरे भाई भागना बढ़िया लगता है, यहाँ पे से नीचे कूदो, मैं अपने हाथ में पोल और वेपन पकड़ता हूँ एंड फटाफट से इसको ट्रैप करूंगा और यहाँ पे से मैं सीधा भागूंगा। किधर गया? ओके ये रहा, आके आ गया आ गया आ गया, बोला भागो भागो भाई यहाँ पे से। तो यार मैं यहाँ पे से भाग तो चुका हूँ पर मुझे पता नहीं है बचूंगा या नहीं बचूंगा, पर लकीली मैं यहाँ पे बच चुका था भाई, ऑल इज वेल। तो भाई यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे आई थिंक एक एक्सप्लोर नॉट है, देखता हूँ वो किधर है। ओके ये रहा, सो यहाँ पे मेरे को एक्सप्लोर नॉट मिल चुका है, लगभग 50 एक्सपी मिली है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे काफी ज्यादा ढूंढ रहा था, काफी ज्यादा हंटिंग किया एंड लकीली मेरे को एक 30 लेवल का जो है ना पैरासोरस मिल गया। तो मैंने डिसाइड करा क्यों ना इसको हम लोग अनकॉन्शियस करने का ट्राई करते हैं। वैसे मेरे पास दो ट्रैंकुलाइजर एरोज में जो मेरे को रैप्टर को मार के मिले थे, मैंने डिसाइड करा चलो उसी को यूज़ करते हैं, देखते हैं अगर अनकॉन्शियस हो जाता है तो बेटर है, अगर नहीं होता फिर भी बेटर है। तो मैं ऑलरेडी पहले बोला कर देता हूँ, कहीं एरोज मारा और ये प्रप्पू चक्कर। ओके सो फाइनली यार दो एरोज से ये इजीली अनकॉन्शियस हो चुका है। इसकी इन्वेंटरी में फटाफट से मैं नार्को बेरीज रखता हूँ, वैसे नार्कोटिक्स खिला के अभी कोई फायदा नहीं है, वैसे ये भागेगा भी नहीं इतने जल्दी। तो भाई हम लोगों ने काफी ज्यादा देर तक वेट किया, इसका फूड लेवल कम होने का ट्राई किया एंड लकीली यार इसका फूड लेवल जो है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है एंड फिर मैंने डिसाइड करा चलो जो है ना हम लोग इसको नार्को बेरीज दे देते हैं। ओके यार काफी मजे तरीके से टेम हो रहा है, काफी जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे रात भी काफी ज्यादा हो चुका है तो मैंने डिसाइड करा मैं अपना फटाफट से स्लीपिंग बैग लगाता हूँ एंड हम जो है ना यहाँ पे सो जाते हैं कुछ देर के लिए। पहले इसका जो ट्रॉपोस लेवल है ना वो मैं फुल करता हूँ। ओके गाइस फाइनली गुड नाइट एंड मैं मिलता हूँ सीधा आपको मॉर्निंग में। जगेगा तो नहीं, वैसे लगता नहीं है, पर मैं फिर भी थोड़ा सा नार्कोटिक्स दे देता हूँ, रिस्क नहीं लेना। चलो भाई गुड नाइट गाइस, मिलता हूँ आपसे सीधा मॉर्निंग में। ओके यार यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है और हमारा जो पैरासोरस है वो भी लगभग टेम होने वाला है, मजा आ गया। और इसका नाम मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, इसका नाम आप भाई लोग सजेस्ट करोगे, आपको जो नाम चाहिए उनमें से मैं किसी ना किसी का सजेस्ट करके अपना पैरासोरस का नाम रखूंगा, कुछ यार मजेदार नाम होना चाहिए, ठीक है। तो पैरासोरस का सैडल मेरे को बनाना है, 10 लेवल में अनलॉक होता है वो मैंने कर लिया है। अभी मेरे को जो है ना फाइबर चाहिए तो मैं फटाफट से यार फाइबर फार्म करूंगा, हर चीज में जो है ना फाइबर की काफी ज्यादा जरूरत होता है। सो हम लोग फटाफट से चलते हैं फाइबर फार्म करके आते हैं। आई थिंक ज्यादा नहीं थोड़ा सा फाइबर में हो जाएगा। मुझे लगता है इतना फाइबर सफिशियंट होगा तो चलिए गाइस हम लोग जो है ना फटाफट से इसका सैडल क्राफ्ट कर लेते हैं। ओके हो जाएगा सैडल क्राफ्ट, फाइनली हमारा जो पैरासोरस का सैडल है वो यहाँ पे क्राफ्ट हो चुका है एंड पैरासोरस को आप लोग देख सकते हैं यार मेरे पीछे कैसे आ रहा है। सैडल इसकी इक्विप करते हैं इसमें, चलो ठीक है कर दिया है गाइस हम लोगों ने। अभी आप लोग यहाँ पे से फटाफट से निकलते हैं जहाँ पे अपना क्राफ्ट है एंड यहाँ पे से जाना यार काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है और जंगल के बीच में ना काफी ज्यादा रैप्टर्स होते हैं, मुझे उनसे भी बच के जाना है पर उनसे बचने के लिए मेरे पास अभी बोला वेपन्स भी नहीं है और इतना फाइबर मेरे पास नहीं है एंड मैंने डिसाइड करा यहाँ पे रुक के अभी कोई भी फायदा नहीं है। एंड फाइनली यार हम लोग अपने राफ्ट में पहुंच चुके हैं
और उसके बाद जो है हम लोग अपने लिए नार्कोटिक्स वगैरह नार्को बेरीज वगैरह फार्म करेंगे, 20 लेवल होते हैं, काफी ज्यादा ट्रैंकुलाइजर एरोज बनाएंगे और उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं सीधा कार्नो आइसलैंड। एक दो कार्नो को टेम करेंगे या फिर इस आइलैंड से रैप्टर लेके जाएंगे। तो यार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई यार ऐसे करो यहाँ से रैप्टर लेके जाओ, फिर मेन आइलैंड में जाके वहाँ पे मजे करना। तो यार आप लोगों से कुछ प्लान चाहिए डेफिनेटली सजेस्ट जरूर करो, पर ये भी यार काफी ज्यादा दिमाग खराब करता है। और मुझे जो है ना अभी बॉक्सेस भी बनाने, तो मैंने डिसाइड करा बॉक्सेस बनाने के लिए सामान डेफिनेटली मेरे को अपने मॉस्टॉप से इजीली मिल जाएगा। हाँ मेरा मॉस्टॉप तो यहाँ पे यार फार्मिंग कर रहा है दबा के, 125 वुड फार्म किया ही है, छोटी बात नहीं है गाइस, बहुत बड़ी बात है। फटाफट से मैं बॉक्सेस बनाता हूँ एंड जितने बॉक्सेस बनेंगे ना वो हम सारे के सारे यहाँ पे प्लेस कर देंगे। पर उससे पहले मैं यहाँ पे सो जाऊं, लगता तो नहीं है सो पाऊंगा क्योंकि मॉर्निंग ऑलरेडी हो चुका है। ओके फटाफट से इनग्रिम्स खोलता हूँ एंड बॉक्स को अनलॉक करते हैं। भाई इसके लिए मेरे को काफी ज्यादा सामान चाहिए, तो चलो मॉस्टॉप के पास वही अपने को सामान देगा। एंड यहाँ पे मैंने मॉस्टॉप से यार पूरा सामान ले लिया था एंड फटाफट से मैंने अपने के लिए बॉक्सेस बनाए। ऑलरेडी बॉक्सेस बन के तैयार हो चुके, तो मैं उनको ऐसे करता ना फटाफट से हम लोग प्लेस कर लेते हैं। लगभग 4 बॉक्सेस हैं एंड चारों के चारों मेरे को राफ्ट में लगाने अपने। ओके यहाँ पे लगाते हैं। तो ठीक है यहाँ पे हमने 3 बॉक्सेस तो आ चुके हैं, पर एक बॉक्स को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा था पर ये यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो लगता है मेरे को यहाँ पे कहीं ना कहीं पे साइड में लगाना पड़ेगा। ओके यहाँ पे आ तो जाता पर काफी ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही है। फाइनली मैंने यहाँ पे डिसाइड करा कि जो है ना ये बॉक्स मैं यहाँ पे नहीं यहाँ पे लगाता हूँ। तो फाइनली गाइस अपना राफ्ट लगभग रेडी हो चुका है, हमने बेसिक डाइनोज यहाँ पे टीम कर लिए हैं। अभी अपने को काफी ज्यादा और काम करना है, तो उसके बाद जो है ना हम लोग यहाँ पे से निकलेंगे कार्नो आइसलैंड दोबारा से। तो चलिए गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।